स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 6E। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, एट द फॉलोइंग फ्रैक्शन शो योर एडिशन प्रोपोर्शनली बाय डिवाइडिंग एंड शेयरिंग द गिवन बॉक्सेस। यहाँ पे हमें जो भी यहाँ पिक्चर दिया हुआ है इसे हमें ऐड भी करना है और इसे शेयर भी करना है। तो देखते हैं, पहले हमारे पास 3/7 प्लस 2/7, तो 3/7 7 में से कितने कलर करने हैं बेटा, 3, 1, 2, 3। चल यहाँ पर देखिए, हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कॉलम्स बनाए हैं। यहाँ पर भी देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और यहाँ पर भी हमने कदो पैसे बनाए हैं। तो 7 है, तो 7 कॉलम्स यहाँ बनाए हैं जिसमें से हमने 3 यहाँ दिया है, 7/3 को हमने कलर कर दिया है। सेकेंड वाले में है 2/7, मतलब 7 में से हमने कितने बॉक्स के कलर करना है, यहाँ पे 2, हमने यहाँ 2 को कलर कर दिया है। अब हमें इसे ऐड भी करना है, तो अब देखिए बेटा काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 कितने हो गए टोटल, 1, 2, 3, 4, 5 क्लियर बेटा। तो ये हमारे कलर हो गए, तो इसका आंसर क्या क्या बनेगा, 5/7 क्लियर। तो नाउ सी क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऐड क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें ऐड करना है। तो देखते हैं 4/7 प्लस 2/7, जब बेटा दोनों के डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो दोनों के डिनोमिनेटर को हम वन टाइम लिखते हैं और जो न्यूमरेटर में जो नंबर्स होते हैं वो नंबर हम एडिटिव लिखते हैं, 4 + 2 ठीक है, 4 बीच में प्लस है प्लस 2। अब इसे प्लस करेंगे, 4 + 2 होता है 6/7। यह हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। इसी तरीके बेटा मैंने एक एफ वाला क्वेश्चन लिखा है, 2/5, 4/5, 1/5 यहाँ देखिए 1, 2, 3 फ्रैक्शन दिए हैं। देखिए बेटा इसमें भी डिनोमिनेटर दो तीनों सेम है, तो हम डिनोमिनेटर्स को क्या करेंगे, वन टाइम लिखेंगे और न्यूमरेटर्स में जो नंबर है सारे नंबर को एडिटिव लिखेंगे, 2 + 4 + 1 हमने सबको प्लस किया, 2 + 4 = 6 + 1 = 7/5 ठीक बेटा। ये हो गया आपका क्वेश्चन। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3, सबट्रैक्ट। अब हमें सबट्रैक्ट करना है, सबट्रैक्ट मींस माइनस, करने का पूरा प्रोसीजर सेम है, सिर्फ साइन का फर्क है, जहाँ प्लस है हमें वहाँ क्या लगा देना है, माइनस। देखिए बेटा दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर्स को हम वन टाइम लिखते हैं और ऊपर में 7, बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। 3, 7 में से हमने 3 को माइनस किया तो कितना आया, 4/8। ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4। बेटा हम क्वेश्चन नंबर 4 देखें, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा फॉलो द इंस्ट्रक्शंस टू सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे हमें इंस्ट्रक्शंस को देखते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो पहले से हमें कहा गया है ऐड, ऐड करना है इसमें 7/2 ऑफ ईयर, ईयर में साल में से हमें 7/12 लेना है एंड 3/12 ऑफ ईयर, यहाँ इस साल में से 3/12। अब यहाँ पर 12 इसलिए लिखा है क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, इसलिए यहाँ पे 12 लिखा हुआ है। तो हमें सिंपल क्या करना है, ऐड करना है 7/12 + 3/12। ये हमने नंबर्स ले लिया ठीक है, इन्हें हमने ऐड किया, करने का प्रोसीजर सेम, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो वन टाइम लिखना है, 7 + 3 मीनिंग क्या हो गया, 10/12। क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा, बस यहाँ से देखिए हमें आंसर छोड़ देना है यहीं पे। नेक्स्ट वाले में है सबट्रैक्ट, सबट्रैक्ट करना मीन्स माइनस करना है, 3/7 ऑफ अ वीक, हफ्ते में से हमें 1 वीक में 7 डेज होते हैं, इसलिए यहाँ पर 7 लिखा है, 7 डेज में से 3 डेज फ्रॉम 6/7, 7 में से 6 डेज ऑफ अ वीक, हफ्ते में से 7 डेज में से 6 डेज ठीक है। अब आइए सॉल्व करते हैं। देखिए बेटे यहाँ पे हमें क्या दिया गया, फ्रॉम, सबट्रैक्ट में जान लो कि फ्रॉम होता है तो जो फ्रॉम होता है फ्रॉम के बाद जो डिजिट होती है वो हम पहले लिखते हैं क्योंकि वो डिजिट हमारी ग्रेटर होती है। 6/7 हमने लिखा, फिर सबट्रैक्ट करना है मीन्स माइनस, 3/7। इस टाइप के क्वेश्चन में जहाँ पर भी आपको फ्रॉम दिखेगा तो फ्रॉम के बाद जो डिजिट होगी उसे पहले लिखना होता है। तो अब हमने यहाँ पे ये लिख लिया, इसे सॉल्व करते हैं, दोनों के डिनोमिनेटर
बाकी के क्वेश्चंस भी है क्वेश्चन नंबर 4 के, वो आप लोगों को पुस्तक करना है। तो इसी साथ हमारी आज की एक्सरसाइज के